हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो आज के वीडियो के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। ठीक है, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, इसमें हमें बेसिकली लंग की पूरी पैथोलॉजी पढ़नी होती है। ठीक है, तो इसमें हम पांच टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से हम आज पहला टॉपिक उठा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है ARDS। ठीक है, ARDS इसका फुल फॉर्म होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा कोविड के बारे में पढ़ेंगे कि कोविड का कॉम्प्लिकेशन क्या था, कोविड हो कैसे क्या रहा था और उसका जो प्रोग्नोसिस है वो कैसा था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से समझिए, काफ़ी इजी टॉपिक है, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब स्टार्टिंग विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब पहली चीज़ ये समझो कि कभी भी आपको अगर ये वाला वर्ड दिख रहा है, कौन सा वर्ड ध्यान से समझो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो इसका मतलब होता है डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन एक्सपांशन ऑफ लंग्स। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि भाई लंग इतने आसानी से एक्सपांड नहीं हो पा रही है। ठीक है, समझ गए, तो दिस इज ARDS। अब देखो ध्यान से समझो एक एक चीज़ को। अब आपको ARDS पढ़ना है तो आपको सबसे पहले नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ लंग पता होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ लंग। ये बेसिकली आप हिस्टो में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक रिवाइज करा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो आपको पता है लंग के अंदर एल्वियोलाइज होते हैं। एल्वियोलाइज क्या होते हैं, स्मॉल एयर कैविटीज होते हैं जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाइज के आजू बाजू जो स्पेस होता है, जो पैरेन्काइमा होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियम कहते हैं, राइट, इंटरस्टिशियम कहते हैं या फिर स्ट्रोमा कहते हैं, बराबर। और एल्वियोलाइ के अंदर बेसिकली कुछ सेल्स होते हैं, याद करो उन्हें हम क्या कहते थे, न्यूमोसाइट कहते थे। तो नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ लंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो पहली चीज़ क्या होगी, एल्वियोलाइ हो गए, एल्वियोलाई हो गए। दूसरी चीज़ क्या होगी, दोनों के बीच का स्पेस, मतलब एल्वियोलाई के बीच का स्पेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियम, राइट, इंटरस्टिशियम। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, याद करो एल्वियोलाई के अंदर के सेल्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमोसाइट्स, बराबर, दैट इज न्यूमोसाइट्स। अब न्यूमोसाइट्स के दो प्रकार होते हैं, दैट इज टाइप वन और दूसरा होता है टाइप टू। कितने प्रकार होते हैं भाई, टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं एयर गैस एक्सचेंज, बराबर। तो एयर गैस एक्सचेंज जो होता है वो कौन कराते हैं भाई, टाइप वन न्यूमोसाइट। और टाइप टू न्यूमोसाइट बेसिकली क्या करते हैं भाई, सर्फेक्टेंट को रिलीज करते हैं, सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट लेसिथिन। ठीक है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ सर्फेक्टेंट का, इट इज़ लेसिथिन। अब ध्यान से समझो, सर्फेक्टेंट बेसिकली क्या करता है, सर्फेक्टेंट है तो ये सरफेस टेंशन को जो है ये रिड्यूस करता है। अब सरफेस टेंशन का सिंपल मतलब बताता हूँ, मान लो कि आपकी ये लंग है, क्या है, लंग है, देखो मान लो ये लंग है, तो लंग के ऊपर क्या होता है, आपके पास जो है, जो लंग का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये सरफेस टेंशन बढ़ जाए तो ये काफ़ी, मतलब ये टेंस्ड रहेगी लंग, टेंस्ड मतलब ये थोड़ी सी ऐसी दबाव में रहेगी, तो ये आसानी से एक्सपांड नहीं हो पाएगी, समझ गए। तो इसीलिए सरफेस टेंशन का कम होना बहुत ज़रूरी है। क्या होगा, अगर सरफेस टेंशन कम होगा तो फिर क्या होगा कि लंग कैन एक्सपांड इजीली, लंग कैन एक्सपांड, समझ गए। तो ये सरफेस टेंशन रिड्यूस करने का काम कौन करता है गाइस, लेसिथिन करता है। सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज़ को हिस्टो में बनाते हैं, तो देखो ध्यान से समझो, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा गाइस। ठीक है, देखो ये हमने बना दिया भाई हिस्टो, ठीक है। अब देखो यहां पर हम क्या बना रहे हैं, ठीक है, मान लो कि ये आपके पास एल्वियोलाइज, क्या है, एल्वियोलाइज, थोड़ी अच्छी डायग्राम बना देता हूँ। देखो मान लो कि आपके पास क्या है, ये एल्वियोलाइज है, बहुत ही अच्छी बन गई, नहीं बहुत खराब बन गई, ठीक है। तो देखो ये आपके पास क्या है, एल्वियोलाइज है, मान लो ये एल्वियोलाइज है। अब इन एल्वियोलाइज के बीच में मैंने आपको ये स्पेस बताई थी, ये एल्वियोलाइज है, देखो अब पूरे नहीं बनाऊंगा मैं, समझ लो सब तरफ एल्वियोलाइज है। तो इन एल्वियोलाइज के बीच की स्पेस थी, याद करो स्पेस, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियम कहते हैं, राइट, इंटरस्टिशियम कहते हैं। अब एल्वियोलाइ के अंदर क्या होते हैं, आपके पास सेल्स होते, कौन से सेल्स होते, देखो ऐसे सेल्स होते, दिस इज नथिंग बट स्क्वेमस एपिथेलियम, क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्क्वेमस एपिथेलियम, राइट। तो सब तरफ होंगे स्क्वेमस एपिथेलियम, सो दिस आर नथिंग बट टाइप वन न्यूमोसाइट, दिस आर नथिंग बट टाइप वन न्यूमोसाइट्स। और इन्हीं सेल्स के बीच में कुछ ऐसे दिखने वाले सेल्स होंगे, देखो ध्यान से, ऐसे कुछ लेंदी लेंदी सेल्स होंगे, देखो ऐसे, तो इन सेल्स को हम लोग कहते हैं टाइप टू न्यूमोसाइट, दिस आर नथिंग बट टाइप
टू न्यूमोसाइट, टाइप टू न्यूमोसाइट। अब ये ध्यान से समझो कि ये जो आपके टाइप टू न्यूमोसाइट है, इनका काम क्या है भाई, इनका काम है लेसिथिन का प्रोडक्शन करना, सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करना, सरफेस टेंशन रिड्यूस करना। और ये जो टाइप वन है, ये जो आपके स्क्वेमस एपिथेलियम है, दिस आर नथिंग बट टाइप वन न्यूमोसाइट। इसका काम क्या है कि एयर गैस एक्सचेंज करना, समझ गए। और ये बीच वाली स्पेस, इस स्पेस को हम नाम देते हैं दैट इज इंटरस्टिशियम। क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियम या फिर स्ट्रोमा, समझ गए सभी लोग। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ध्यान से समझो कि नॉर्मल जो आपकी लंग होती है, नॉर्मल लंग के हिस्टो में इंटरस्टिशियम जो होता है, इंटरस्टिशियम ये नाक के बराबर होता है, नाक के बराबर, बहुत मिनिमम है। अब देखो मैं आपके सामने पूरी स्लाइड ओपन कर दी, यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह भी होते हैं, दिस आर नथिंग बट ब्लड वेसल, ठीक है। इसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं, आप सभी को पता है। ब्लड वेसल की लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथेलियम कहते हैं कि नहीं। तो देखो अब ये नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ लंग है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो एक एक चीज़, ये जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं ना, ये जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, ये जो खाली खाली स्पेसेस दिख रहे हैं, ये जो खाली खाली स्पेसेस है, दिस आर नथिंग बट एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट ब्लड कैपिलरी, दिस इज नथिंग बट ब्लड कैपिलरी। और ये जो है दिस इज नथिंग बट एंडोथेलियम, बराबर। ब्लड वेसल की लाइनिंग को क्या कहते हैं हम लोग, एंडोथेलियम कहते हैं। किससे बनता है? स्क्वेमस एपिथेलियम से बनता है। और मैंने आपको क्या बताया कि देखो नॉर्मल लंग के हिस्टोलॉजी के अंदर इंटरस्टिशियम नाक के बराबर दिखता है। तो देखो यहाँ पर सब लोग एल्वियोलाई दिख रहे हैं, इंटरस्टिशियम बहुत कम दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? एल्वियोलाई दिख रहा है, इंटरस्टिशियम नाक के बराबर दिख रहा है। सो दिस इज नॉर्मल हिस्टो स्लाइड ऑफ लंग, समझ गए सब लोग? ओके, अब देखो अब हम लोग ARDS की पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, अब सबसे पहले एक समझो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये किन वजह से हो सकता है। इसका पहला मोस्ट कॉमन रीज़न होता है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है बैक्टेरेमिया। अब बैक्टेरेमिया का मतलब क्या होता है? देखो बैक्टेरेमिया मतलब क्या है? बैक्टेरिया इन ब्लड, मिया मतलब ब्लड। तो बैक्टेरेमिया मतलब क्या है कि भाई ब्लड के अंदर बैक्टेरिया, क्या है? ब्लड के अंदर क्या है? बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है गाइज, उसके अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ पर एक ही होता है साइंस में, ठीक है। तो ये क्या, ब्लड जो आपके ब्लड वेसल के अंदर है वही क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सेप्सिस। और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज न्यूमोनिया। क्या है? सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया नहीं, कोई भी चीज़ जो कि क्या कर रहा है, लंग का क्या कर रहा है? इन्फेक्शन। लंग का इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमोनिया कहते हैं, समझ गए सब लोग। अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज बैक्टीरिया में की मदद से समझेंगे। अब ध्यान से समझो, पैथोफिजियोलॉजी बहुत आसान है। देखो मैं मान लो कि मैंने यहाँ पर एक एल्वियोलाई बना लिया। क्या बना लिया? एल्वियोलाई। इसके सराउंड में ये ब्लड वेसल होगी, राइट? इट इज़ ब्लड वेसल। क्या है ये? ब्लड वेसल है, इट इज़ नथिंग बट ब्लड वेसल, बराबर। ब्लड वेसल के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया है। मान लो ये क्या है आपका? बैक्टीरिया है। दिस इज नथिंग बट बैक्टीरिया, ये आपका बैक्टीरिया, दिस इज योर ब्लड वेसल और दिस इज योर एल्वियोलाई, बराबर। तो अब होता क्या है, पहला ट्रिगर पॉइंट जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का होता है दैट इज एंडोथेलियल डैमेज। क्या होता है? एंडोथेलियल डैमेज। अब मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया जिसने क्या किया कि इस एंडोथेलियम, ये जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है, इसको डैमेज कर दिया। अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है वो बाहर आएगा। देखो अब एंडोथेलियम डैमेज हो गया है, राइट? तो ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स है वो भी बाहर आएंगे और बैक्टीरिया भी बाहर आएगा। तो ये ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स है ये इधर एल्वियोलाई में जा सकते या तो इंटरस्टिशियम में जा सकते, बराबर। इधर एल्वियोलाई में जा सकते या तो इंटरस्टिशियम में जा सकते, बराबर। तो देखो क्या हो रहा है, एंडोथेलियल डैमेज हो गया। फिर मान लेते हैं कि एल्वियोलाई के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आ गए एल्वियोलाई के अंदर, और दूसरी चीज़ मान लेते हैं कि इंटरस्टिशियम के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आ गए। अब कौन से कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ? देखो पहला कंपोनेंट तो क्या है गाइस, डेफिनेटली क्या है? बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया ब्लड वेसल में था वो लीक आउट हो गया, मान लो एल्वियोलाई में आ गया। और दूसरा कंपोनेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं दैट इज न्यूट्रोफिल, जिसका काम क्या है? बैक्टीरिया को, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन करना। तो ठीक है न्यूट्रोफिल मान लेते हैं, यहाँ पर क्या आ गया? न्यूट्रोफिल आ गया। सिमिलरली इंटरस्टिशियम में भी क्या क्या आ सकता है? एक तो एल्वियोलाई आ सकता है और दूसरा क्या आ सकता है इसमें? न्यूट्रोफिल आ सकता है या तो फिर एल्वियोलाई जो आपका ये है। एल्वियोलाई कैसे आएगा गाइस, क्या लिख रहे हो आप लोग?
देखो, एक तो न्यूट्रोफिल आ सकता है और दूसरा क्या आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, बराबर। तो मेरे लिए कंसर्निंग बात क्या है, मेरे लिए दिक्कत वाली बात क्या है कि इंटरस्टिशियम के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंटरस्टिशियम कैन एक्सपांड, राइट। इंटरस्टिशियम जो है इट कैन एक्सपांड, बराबर। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसर्न है क्या? नहीं है, कंसर्न नहीं है। लेकिन एल्वेला एक्सपांड हो सकता है क्या? एल्वेला के स्पेसेस जो है वो एक्सपांड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो कंसर्निंग बात क्या है आपके पास कि एल्वेला के अंदर बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल का काउंट कहाँ पर बढ़ रहा है? एल्वेला के अंदर बढ़ रहा है। एल्वेला के अंदर अगर ये काउंट बढ़ रहा है तो इसके बाद क्या होगा? देखो, डेफिनेटली अब इसमें जो संख्या है किसकी ज़्यादा होगी बताओ? बैक्टीरिया की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल। बैक्टीरिया की संख्या जो है वो न्यूट्रोफिल के कंपेयर में ज़्यादा होगी। इसके बाद क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, डीग्रैन्यूलेट करेंगे। अब न्यूट्रोफिल डीग्रैन्यूलेट हो गए तो ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा। और अलॉन्ग विद बैक्टीरिया, ध्यान से समझो, अलॉन्ग विद बैक्टीरिया ये क्या करता है, जो न्यूमोसाइट्स है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। अब इसका काम तो था भाई कि इसको डिस्ट्रॉय करे बैक्टीरिया को, लेकिन साथ साथ ये क्या कर लेता है, न्यूमोसाइट को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपकी एल्वेला है, अब मान लेते हैं एल्वेला थी आपकी, दिस एल्वेला, तो यहाँ पर क्या हो जाता है गाइस, सारे जो भी आपके जो डेड बैक्टीरिया, फिर आपका जो ये है डेड न्यूमोसाइट्स, इसने इसको मार दिया है बराबर, तो डेड न्यूमोसाइट्स। और अलॉन्ग विद इट, अब एंडोथेलियल डैमेज था, कभी भी डैमेज होता है तो फिर क्या होता है, हीलिंग किससे होती है, फाइब्रोसिस से होती है, फाइब्रिन क्लॉट आ जाता है, राइट। तो एंडोथेलियल डैमेज में क्या हो जाएगा, फाइब्रिन क्लॉट बनेगा, ठीक है। एंडोथेलियल डैमेज में क्या बनेगा, फाइब्रिन क्लॉट। तो यहाँ पर और क्या दिखेगा आपको, फाइब्रिन क्लॉट। तो ये सारी डेड चीज़ें यहाँ पर जो एल्वेला है उसके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। देखो ध्यान से समझो, ठीक है। तो इसके अराउंड ऐसे डिपॉजिट हो जाएगी। तो अब ये डेड चीज़ें इसलिए कैसे दिखती है, पिंक दिखते हैं, और इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं, दैट इज हाइलाइन मेम्ब्रेन। समझ गए सब लोग, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइलाइन मेम्ब्रेन। अब हाइलाइन मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, देखो हाइलाइन मेम्ब्रेन के अंदर डेड WBC, डेड बैक्टीरिया, डेड न्यूमोसाइट और फिब्रिन क्लॉट, ये सारी चीज़ें। तो अब ध्यान से समझो कि ये सारी चीज़ें अगर ऐसे हो गई, हाइलाइन मेम्ब्रेन बन जाएगा, तो यहाँ पर एयर गैस एक्सचेंज में डिफेक्ट आएगा, क्या हो जाएगा, समझो क्या होगा, एयर गैस एक्सचेंज डिफेक्टिव हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, देखो मैंने पहले कहा था कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, कि एयर गैस एक्सचेंज अच्छे से ना होना, तो इसी का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाना। तो अब इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या कहते हैं, एक्यूट एआरडीएस वाली स्टेज में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हाइलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, समझ गए। अब ये एक्यूट जो आपका ये एआरडीएस है, ये अगर ऑनसेट ऑफ डिसीज के 72 आवर्स के बाद में भी हो रहा है, मतलब आप समझो कि आपको सपोज डिसीज हुई, तो अगर आपकी लंग 72 घंटे बाद भी अफेक्टेड है, तो इसको हम लोग एक्यूट नहीं कहते, ठीक है। तो 72 घंटे के अंदर और अंदर अगर ऐसा आपको दिख रहा है हेलेन में, तो दैट इज एक्यूट एआरडीएस। अगर 72 घंटे के ऊपर जा रहे हैं, सो दैट इज नॉट एक्यूट एआरडीएस। समझ गए आप लोग बेसिक। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, अब ये आपका कौन सी स्टेज आ गई, दैट इज एक्यूट एआरडीएस। तो पहली स्टेज कौन सी आई, एक्यूट एआरडीएस। इसके बाद जो स्टेज आती है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझो ध्यान से, हाँ बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। इसके बाद जो स्टेज आएगी, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। अब ऑर्गेनाइजिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, जो आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसका क्या होता है, हीलिंग स्टार्ट होता है। अब आपको पता है हील कभी भी वर्ड आपको दिखा तो फाइब्रोसिस मन में आना चाहिए, बराबर। तो हीलिंग किससे होती है, बेसिकली फाइब्रोसिस। अब फाइब्रोसिस मोर और लेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, मुझे बता सकते हो,
बता सकते हो फाइब्रोसिस। अब अगर फाइब्रोसिस आपको करना है, आपके पास एल्वियोलाई स्पेस है, एयर स्पेस है, एयर खाली जगह में आप फाइब्रोसिस कैसे बना सकते हो? आप क्या जादूगर नहीं हो कि खाली जगह में कुछ भी फाइब्रोसिस बना दो? तो फाइब्रोसिस कहाँ पर दिखता है आपको, समझ रहे हो ना? तो फाइब्रोसिस आपको कहाँ पर दिखेगा? फाइब्रोसिस आपको दिखेगा इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम के अंदर आपको क्या दिखेगा? फाइब्रोसिस। दूसरी चीज जो आपको दिखेगी ऑर्गेनाइजिंग स्टेज के अंदर, दैट विल बी बेसिकली, आप देखो जो आपका ऑर्गेनाइजिंग स्टेज है उसमें जो हाईलाइन मेम्ब्रेन बनी थी ना आपकी, ये जो हाईलाइन मेम्ब्रेन बनी है इसको क्लियर करने के लिए मैक्रोफेज आएंगे। क्या आएंगे? मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज विल बेसिकली विल क्लियर हाईलाइन मेम्ब्रेन, हाईलाइन मेम्ब्रेन को मैक्रोफेजेस क्लियर कर देंगे, समझ गए? और इसमें एक चीज़ होती है, टाइप टू, मेजरली टाइप टू न्यूमोसाइट का हाइपरप्लेजिया होता है, न्यूमोसाइट हाइपरप्लेजिया। तो टाइप टू न्यूमोसाइट कैसे दिखते थे? हॉबनेल अपीयरेंस आपको याद है, हॉबनेल अपीयरेंस मैंने आपको बताया था। तो हॉबनेल अपीयरेंस कैसा था? ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा 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 अजीब अपीयरेंस था, हॉबनेल अपीयरेंस था। तो इनका जो है क्या होगा? हाइपरप्लेजिया। टाइप वन का भी होगा बट टाइप टू का प्रीडोमिनेंटली होगा। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। क्या क्या हो रहा है? देखो मैक्रोफेज आ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं हाईलाइन मेम्ब्रेन को, दूसरा टाइप टू न्यूमोसाइट का हाइपरप्लेजिया, और इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है। तो आप मुझे ध्यान से सोच के बता सकते हो क्या कि अगर इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है तो इंटरस्टिशियम जो है बहुत ज़्यादा पिंक हो जाएगा, इंटरस्टिशियम बहुत पिंक होगा, बराबर, बहुत पिंक होगा, राइट? तो ये आपको दिखता है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज ऑफ एआरडीएस, समझ गए? ओके, अब आप बोलो कि आपके पास फाइब्रोसिस हो गया, फाइब्रोसिस इंटरस्टिशियम का हुआ, इसका मतलब क्या है कि भाई लंग एक्सपांड नहीं कर पाएगी, बराबर, तो रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। लंग एक्सपांड नहीं हो रही उसका मतलब क्या है? रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस किस वजह से है गाइस? इट इज़ ड्यू टू फाइब्रोसिस, बराबर, इट इज़ ड्यू टू फाइब्रोसिस। और इसका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे कर सकते हो कि भाई वेंटिलेशन बढ़ा दो पेशेंट का, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन बढ़ा दो, यानी कि वेंटिलेशन पे अगर आप रख दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये एल्वियोलाई को एक्सपांड करेगा, एल्वियोलाई को एक्सपांड करेगा। सो दिस इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग स्टेज ऑफ एआरडीएस। अब ये इमेज को ध्यान से देखो, देखो एक्यूट स्टेज ऑफ एआरडीएस, ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था एक्यूट स्टेज ऑफ एआरडीएस में देखो ये हाईलाइन मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये देखो ये एल्वियोला है उसके अराउंड हाईलाइन मेम्ब्रेन दिख रही है, यहाँ पर डेड डब्ल्यूबीसी, डेड फिब्रिन, मतलब डेड न्यूमोसाइट, फिब्रिन क्लॉट, डेड बैक्टीरिया, ऐसा होगा। हाईलाइन मेम्ब्रेन पिंक कलर की है और ये इंटरस्टिशियम है, राइट, इंटरस्टिशियम। अब ये ऑर्गेनाइजिंग स्टेज है, यहाँ पर देखो बहुत पिंक पिंक अपीयरेंस दिख रहा है, राइट, दिस इज नथिंग बट फाइब्रोसिस, दिस इज नथिंग बट फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस बेसिकली कैसा दिखता है माइक्रोस्कोपी के अंदर? सो पिंक। तो दिस आर स्टेजेस ऑफ एआरडीएस, फर्स्ट इज एक्यूट स्टेज ऑफ एआरडीएस, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग स्टेज ऑफ एआरडीएस। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, राइट, समझ गए सब लोग एआरडीएस की पैथोफिजियोलॉजी? बहुत आसान है, क्या हो रहा है ध्यान से समझो, फिर से एक बार आपको बताता हूँ मैं, ठीक है? क्या हो रहा था? बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम का मतलब क्या है? बैक्टीरिया ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल के में बैक्टीरिया है, तो फिर ये क्या कर रहा था? एंडोथेलियल डैमेज कर रहा था। एंडोथेलियल डैमेज होने की वजह से बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल इधर एल्वियोलाई में आ सकते हैं या तो फिर इंटरस्टिशियम में जा सकते हैं। इंटरस्टिशियम के अंदर ज़्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि वो एक्सपांड कर सकता है, बराबर, कंसर्न कहाँ पे? एल्वियोलाई पे। अब एल्वियोलाई के अंदर न्यूट्रोफिल क्या हो जाएंगे? डीग्रैनुलेट होंगे। न्यूट्रोफिल डीग्रैनुलेट होंगे तो वो किसको डिस्ट्रॉय करेंगे? बेसिकली आपके बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे और साथ ही साथ न्यूमोसाइट को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब आप बताओगे न्यूट्रोफिल कैसे क्या मर रहे हैं? देखो कभी भी न्यूट्रोफिल जब डीग्रैनुलेट करते हैं तब उनकी डेथ हो जाती है, समझ गए? तो उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो यहां पर आपको क्या हो जाता है? डेड डब्ल्यूबीसी, डेड बैक्टीरिया, डेड न्यूमोसाइट और फिब्रिन क्लॉट, यहां पर कुछ ऐसे हाईलाइन मेम्ब्रेन के फॉर्म में अरेंज दिखता है, राइट? तो अगर तो इस वजह से क्या होता है? एयर गैस एक्सचेंज डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग एक्यूट एआरडीएस कहते हैं। इसके बाद क्या है? ऑर्गेनाइजिंग स्टेज आएगी। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में क्या होगा? मैक्रोफेज आएंगे, सबसे पहले मैक्रोफेज विल क्लियर द हाईलाइन मेम्ब्रेन। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? क्लियर करेंगे हाईलाइन मेम्ब्रेन को। फाइब्रोसिस होगा, हीलिंग। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज इज नथिंग बट हीलिंग फेज, इट इज नथिंग बट हीलिंग फेज। हीलिंग में क्या होता है? फाइब्रोसिस होता है। अब फाइब्रोसिस कहाँ पे होगा? इंटरस्टिशियम में होगा। और तीसरी चीज यहाँ पर क्या होगी? टाइप टू न्यूमोसाइट का क्या होगा? हाइपरप्लेजिया होगा। टाइप टू न्यूमोसाइट का क्या होगा? हाइपरप्लेजिया। तो आपको जो यहाँ पर जो इंटरस्टिशियम बहुत पिंक दिखेगा, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस स्टिल प्रेजेंट रहेगा, क्यों रहेगा? बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस। ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? वेंटिलेशन कर दो जिससे एल्वियोला एक्सपांड हो जाए, समझ गए सब लोग? सो दिस इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एआरडीएस। अब मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है कोविड के बारे में, ठीक है? कोविड के बारे में, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है? थोड़ी सी हम कोविड की बात करते हैं। कोविड, कोविड देखो बहुत आसान है, ठीक है, कंसेप्ट एकदम आसानी से हो जाएगा। देखो कोविड, अब कोविड का सिंपल मतलब होता है बेसिकली न्यूमोनिया की वजह से होता था कोविड। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया इज नथिंग बट क्या है? लंग का इन्फेक्शन है। देखो न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया का सिंपल मतलब क्या है? लंग का इन्फेक्शन, लंग का इन्फेक्शन, बराबर।
तो अब लंग का इन्फेक्शन है, तो क्या हो रहा था, ये जो इन्फेक्शन कॉजिंग जो भी वायरस है, जो आपका कोविड है, ये क्या कर रहा था बेसिकली, ये एस्केप कर रहा था एल्वियोलाई से, एस्केप कर रहा था एल्वियोलाई से, एस्केप करके जो है ये जा रहा था इंटरस्टिशियम के अंदर, कहाँ जा रहा था, इंटरस्टिशियम के अंदर, ठीक है, इंटरस्टिशियम के अंदर। और 90-99% लगभग 99% जो था इंटरस्टिशियम के अंदर ही था, और इसको हम लोग कह रहे थे इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, क्या कह रहे थे, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। तो इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल्स थे, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको ड्राई कफ आता था और थोड़ा सा फीवर आता था। 99% टाइम कोविड के सिम्टम्स आपने सुने होंगे ड्राई कफ और फीवर था, तो वो दैट वाज बिकॉज ऑफ इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, नथिंग एल्स। और 1% टाइम क्या हो रहा था, 1% इन 1% केस क्या हो रहा था, ये जो है जो आपका वायरस है दैट वाज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग एंडोथेलियम। 1% केस के अंदर क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉइंग एंडोथेलियम, एंडोथेलियम राइट, एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम डिस्ट्रॉय होगा तो उसको क्लॉट होगा, क्लॉट बनेगा राइट। तो 1% केस में क्या रहा था, और ये जो था यही बेसिकली आपका कंसर्न था, क्या कंसर्न था, एंडोथेलियल डैमेज जो कि 1% केस में हो रहा था। अब मुझे बताओ आपको कभी भी एंडोथेलियल डैमेज अगर आपको दिख रहा है तो फिर दैट विल रिजल्ट इन ARDS, बराबर, दैट विल रिजल्ट इन ARDS। सो दिस वॉज बेसिकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड। अब एंडोथेलियल डैमेज जब भी हो रहा था तब पहली चीज़ तो क्या हो रही थी, ARDS हो रही थी। ARDS में मैंने आपको बताया पहले क्या हो रहा था, एक्यूट ARDS हो रहा था। और एक्यूट बेसिकली देखो मैं इधर लिखता हूँ, पहले तो क्या हो रहा था, एक्यूट ARDS हो रहा था, एक्यूट ARDS हो रहा था, एक्यूट ARDS, एक्यूट ARDS के अंदर मैंने आपको बताया था क्या 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 हो रहा था, बेसिकली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था, डिफ़िकल्टी हो रही थी एयर गैस एक्सचेंज में। तो आपको याद होगा कि शुरुआत में लोग कह रहे थे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब क्या, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी बेसिकली स्टार्ट कहाँ पे हो रही थी, एक्यूट ARDS में, डिफ़िकल्टी, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी स्टार्ट कहाँ हो रही थी, एक्यूट ARDS में। और इसमें क्या हो रहा था, जो आपका SpO2 लेवल्स है वो क्या हो रहे थे, घट रहे थे, समझ गए। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है राइट, उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया था हीलिंग होती है राइट, हीलिंग। तो हीलिंग किससे होती है गाइस, फाइब्रोसिस से होती है, बराबर, फाइब्रोसिस। अब आपको एक चीज़ याद होगी कि जो भी मतलब जिसको भी रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको डॉक्टर एक टेस्ट कराने को बोलते थे, दैट टेस्ट वॉज बेसिकली D-dimer। कौन से टेस्ट कराने को बोलते थे, D-dimer। कभी भी आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिफिकल्टी SpO2 लेवल जब भी कम दिख रहे थे तो डॉक्टर क्या करा रहे थे गाइज, D-dimer की टेस्ट कराने को बोल रहे थे। अब D-dimer बेसिकली क्या है, D-dimer इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ क्लॉट लाइसिस, इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ क्लॉट लाइसिस, ठीक है। तो इट बेसिकली D-dimer क्या इंडिकेट करता है, याद रखो, D-dimer इंडिकेट्स एंडोथेलियल डैमेज राइट, एंडोथेलियल डैमेज। D-dimer बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा था, एंडोथेलियल डैमेज। तो इसलिए जब भी रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो रही थी तब डॉक्टर को क्या लग रहा था गाइस, कि इसको ARDS हो सकता है। और ARDS किससे होता है, ट्रिगर किससे होता है, एंडोथेलियल डैमेज से होता है। तो इसलिए हम लोग D-dimer चेक कर रहे थे कि भाई इसको एंडोथेलियल डैमेज हुआ है क्या, अगर एंडोथेलियल डैमेज इसको हुआ है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आपका ARDS का ट्रीटमेंट है। अब देखो ARDS में बेसिकली क्या हो रहा था, फाइब्रोसिस हो रहा था, तो हमें इसको ट्रीट करना है, इसको हमें ट्रीट करना है। फाइब्रोसिस को जब भी आपको ट्रीट करना है आप क्या देते हो, आप ट्रीटमेंट में देते हो स्टीरॉइड्स, क्या देते हो, स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स बेसिकली क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं फाइब्रोसिस को, फाइब्रोसिस को। तो आपको ये जो टेस्ट है D-dimer का ये कब करना था, बेसिकली बिटवीन दिस टू फेजेस, जो आपका जब आपको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो रही थी और जब ऑर्गेनाइजिंग स्टेज शुरू होने वाली थी तब हम ये टेस्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें पहले से पता चल जाता है कि गाइस इसका फाइब्रोसिस होने वाला है और फिर हम लोग उसको स्टीरॉइड्स देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप क्या थोड़ा डिले कर देते हो तो ऑलरेडी फिर ये हो जाएगा, फाइब्रोसिस वगैरह हो जाएगा, तो बाद में D-dimer टेस्ट करके फिर जो स्टीरॉइड्स का इतना इफेक्ट नहीं आएगा, समझ गए सब लोग। तो ये इंडिकेट कर रहा था एंडोथेलियल डैमेज। और दूसरी चीज़ याद रखो कि हम इसके बाद क्या कर रहे थे, फॉलोअप कर रहे थे, यानी कि रिपीटेड D-dimers कर रहे थे फॉलोअप में राइट, रिपीटेड D-dimers। और अगर रिपीटेडली आप D-dimer आपको एलिवेटेड दिख रहा था, एलिवेटेड दिख रहा था, तो हम क्या समझ सकते हैं इससे कि बहुत ज़्यादा ARDS वाइड स्प्रेड है, क्या है, वाइड स्प्रेड है। तो ये हमें समझ रहा था बेसिकली D-dimer टेस्ट से।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट कोविड। तो कोविड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आप जो है डी डाइमर टेस्ट करवाओ, डी डाइमर टेस्ट इन दो के बीच में, यानी कि जब आपको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी स्टार्ट हो रही है और जब आपका जो है फाइब्रोसिस होने वाला है, तो तब आप डी डाइमर की टेस्ट कराते थे। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड कोविड। तो आई गेस सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमने बेसिकली आज क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने हिस्टोलॉजी ऑफ लंग पढ़ी, हिस्टोलॉजी ऑफ लंग हमने अच्छे से खत्म की। देखो नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ लंग हमने खत्म की। फिर हमने डायग्राम देखा, फिर हमने ARDS की पैथोफिजियोलॉजी समझी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्राम्स देखे हमने, ठीक है, रॉबिन्स के डायग्राम है, बिल्कुल रॉबिन्स के डायग्राम है। फिर हमने क्या देखा, कोविड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, कोविड में हो क्या रहा था, एस्केप हो रहा था, ये सब हो रहा था, डी डाइमर टेस्ट, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने खत्म किया है। तो आई गेस आपको सभी को मज़ा आया होगा, सो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि इम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियेक्टेसिस, फिर सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अगले लेक्चर में, ठीक है। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मुझे डिफरेंस बताओ ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आपको होमवर्क क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है, ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रेस्ट्रिक्टिव का बस डिफरेंस, एक दो डिफरेंस बता दो, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे, और क्या हमें और क्या है, इसके बाद हम नए नए टॉपिक्स के साथ आते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।